राम राम आप सभी को, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो ये है टीवीएस की IQS वाला मॉडल 2023 वाला। इसके अंदर आपको 7 डिफरेंट कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, 2 मेरे सामने हैं, 5 इसके अंदर और कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस मिलती है वो आपको मिलती है 1,46,963 रुपीज़ की, एक्स शोरूम उदयपुर राजस्थान के अंदर। इस टाइप की इसके अंदर आपको 2 की मिल जाती है, एक आपको फ्लिप की मिल जाती है और एक आपको नॉर्मल की मिल जाती है। की के अंदर आपको लाइट भी मिल जाती है, टॉर्च लाइट टाइप में, देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू राम जी टीवीएस, साथ ही मयूर जी का, जिन्होंने स्कूटर आज अपने लिए अवेलेबल कराया। शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ शोरूम पर विजिट करके टीवीएस के सारे प्रीमियम प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं फ्रंट की तरफ में। तो ऊपर की साइड में आप देखेंगे इस टाइप का आपको एक विंडशील्ड मिल जाएगा, जो आपको पूरा ब्लैक में मिलने वाला है। यहाँ आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है स्कूटर के अंदर। यहाँ पे आपको LED DRL मिल जाती है। उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे इसके अंदर देख सकते हैं TVS 3D के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ आपको ग्लॉसी ब्लैक, उसके जस्ट नीचे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट। यहाँ पे इसके अंदर आपको ये देखेंगे तो ये आपको रबड़ ग्रिप में मिलेगा, IQ की बैजिंग। ये आपको पूरी LED सेटअप के साथ मिलती है। इंडिकेटर भी आपको फ्रंट वाले LED ही मिलते हैं। इसी के अंदर आपको हाई और लो भी मिल जाता है। ये इसके अंदर आपको स्कूटर के अंदर एक एसेसरी पार्ट लगा हुआ है जो मरघाट है, ये इसके अंदर आपको फाइबर का मिलता है। ये भी अगेन आपको स्कूटर के अंदर एसेसरी पार्ट है। 220 mm की फ्रंट की डिस्क ब्रेक की साइज़ मिल जाती है। साथ ही साथ फ्रंट टायर जो मिलता है इसकी साइज़ 90-90 12 इंच का, 12 इंच का। इसके अंदर आपको एलोवेल मिल जाता है, देख सकते हैं इस टाइप का आपको एलोवेल मिल जाता है जो आपको इस टाइप में। इसके अंदर आपको डायमंड कट में मिल जाते हैं 5 spoke के साथ में। साथ ही साथ जो फ्रंट चोकर है ये इसके अंदर आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स वाले मिल जाते हैं, देख सकते हैं इस पीछे की जस्ट साइड में। यहाँ पे इसके अंदर आपको ये मरघाट इसका ब्लैक में मिल जाता है देखने के लिए। जो स्कूटर की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये आपको 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इसके अंदर। अब चलते हैं पीछे की साइड में। इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको IQ की बैजिंग इलेक्ट्रिक लिखा हुआ मिल जाएगा और साथ ही साथ इसके अंदर 3D के अंदर मिल जाएगा और ऊपर की साइड में आपको इसके अंदर क्रोम मिल जाएगा। यहाँ S की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ से आप इसका बूट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लोज भी यहीं से हो जाएगा और की से आप कर सकते हैं। ये इसके अंदर एसेसरी पार्ट, इसके अंदर लेडीज़ फुट रेस्ट भी आपको एसेसरी पार्ट मिल जाता है। साइड मेन स्टैंड मिल जाता है, यहाँ साइड स्टैंड मिल जाता है। साइड स्टैंड के अंदर वही टेक्नोलॉजी मिलती है, जब तक आपका स्कूटर साइड स्टैंड से नहीं हटेगा आपका स्कूटर स्टार्ट नहीं होने वाला। फुट रेस्ट देखेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी अच्छी फिनिशिंग मिल जाते हैं ये, और ये रबड़ी ग्रिप में मिलते हैं तो ये ऐसे प्रीमियम से ऐसे बंद भी हो जाते हैं। यहाँ पर आपको इसके अंदर स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप हेलमेट लगा सकते हैं अपना, और इसका मैक्स वेट है इसका 3 kg का। यहाँ पे आपको इसके अंदर चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आपका स्कूटर चार्ज होगा। यहाँ पे आप और मिल जाता है स्पेस, अगर आपको यहाँ और कुछ भी टाँगना तो वो भी टाँग सकते हैं। इसका भी वेट आपको 3 kg का मिलता है, स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ये इसके अंदर मैट जो है ये आपको एसेसरी पार्ट है इसके अंदर, तो आपको यहाँ पर लेग रूम तो काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। ये आपको इसके अंदर ब्लैक में मिल जाता है इसके अंदर, और यहाँ पे आपको लीवर मिल जाते हैं जिसको आप यहाँ पे लॉक भी कर सकते हैं आपके पीछे वाले ब्रेक को, आप अगर कहीं ढलान में आपका स्कूटर खड़ा है तो। यहाँ रबड़ की ग्रिप मिल जाती है। बॉडी कलर ही आपको और वे मिल जाते हैं इसके अंदर, यहाँ देख सकते हैं स्मार्ट कनेक्ट की आपको बैजिंग मिल जाती है। अब चलते हैं इसके क्लस्टर की तरफ में अपन। यहाँ से इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको आप लॉक भी कर सकते हैं। मैं इसको ऑन कर देता हूँ एक बार, देख सकते हैं TVS IQ लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे इसके अंदर वेलकम आ गया। आप स्टार्ट करने के लिए देख सकते हैं, प्लीज़ आपको साइड स्टैंड हटाने के लिए कह रहा है ये। मैं एक बार इसका साइड स्टैंड हटा के बैठता हूँ, इसको साइड स्टैंड हटा दिया। अब यहाँ पे इसके इस वाले ब्रेक को दबाना और यहाँ से इसका मोड चेंज करने के लिए दबाना, देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गया। तो आपको इसके अंदर 7 इंच का आपको ये डिजिटल इसका मीटर मिल जाता है, जिसके अंदर आपको सारे बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 118 कनेक्टिंग फीचर मिल जाता है, जैसे लाइव व्हीकल आपको ट्रैकिंग मिल जाता है, कॉल अलर्ट मिल जाता है। जो ये स्कूटर है 0 to 40 ये आपको 4.2 सेकेंड में पहुँच जाता है। इसके अंदर आपको नेविगेशन असिस्ट मिल जाता है, इसके अंदर आपको इनकमिंग कॉल अलर्ट मिल जाता है। ऑडोमीटर आपको पूरा डिजिटल देखने मिलता है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं। जैसे अभी इको पे है, 2 मोड मिलते हैं आपको, इको और पावर वाला। उसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है, जैसे आप देख सकते हैं पावर पे हो गया। अब इसके अंदर आपको देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी बैटरी की परसेंटेज आ गया, तो आपको यहाँ पे 59 किलोमीटर। इसकी एक्चुअल जो रेंज है वो 100 किलोमीटर की क्लेम करता है TVS, बट आपका ये 90 to 95 आराम से चल जाएगा। मेनली आपको चलाने पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज स्पीड आ रहा है, ऑडोमीटर आपको कितने चला हुआ है, ट्रिप ए के लिए बता रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे रेंज बता रहा है। यहाँ पे स्पीड देखने के लिए मिल जाएगा डिजिटल, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ फ़ोन बना हुआ आ रहा है, यहाँ आपके मैसेज के लिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए मिल जाएगा, आपके जो नेटवर्क फ़ोन से कनेक्ट रहेगा तो वो सारी चीज़ें मिल जाती है। साथ ही साथ इधर से आपको जॉयस्टिक भी मिल जाती है इसके अंदर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब इसको चेंज करते हैं मोड पर, तो ये आपके पावर मोड पे हो गया। तो आप देख सकते हैं 56, अब यहाँ 42 किलोमीटर हो गए जो ड्रेन हो रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे आपके हेजार्ड लाइट कंट्रोल मिल जाते हैं, तो इस टाइप का कुछ साउंड मिल जाता है। ये आपके हाई और लो बीम की लाइट के लिए मिल जाता है इसके अंदर।
इसको एक बार अपन चला के देखते हैं, हल्का सा मैं आगे लेता हूँ, देख सकते हैं इस टाइप से चलता है ये। इसके अंदर आपको पार्किंग असिस्ट भी मिल जाता है जिसको आपको यहाँ से प्रेस करके रखना है, तो आपको फॉरवर्ड में पार्किंग मोड के लिए मिल जाता है, आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं इसको, देख सकते हैं इस टाइप से। और आपको रिवर्स करना है तो इसी बटन दबाएंगे तो ये रिवर्स भी हो जाता है, इसको वापस एक बार इसको ऑन करते हैं अपन, तो इसको देखिए ऐसे करके ये हो जाएगा और इसको नीचे करके तो ये रिवर्स भी हो जाएगा, रिवर्स के लिए भी ऐसे चलता है देख सकते हैं, तो रिवर्स के लिए इससे भी चल जाता है इसके अंदर। इसको अपन बंद करते हैं और वापस इसको नॉर्मल मोड पर ले लेते हैं अपन। तो एक बार इसको बंद भी करना है तो आपको यही प्रेस करके मोड वाला बटन दबाना है और वापस इसका ये ऑन हो जाता है। इस साइड आपको जॉयस्टिक मिलती है इसके अंदर, मैं इसका भी बता देता हूँ कैसे क्या यूज़ करना है। जैसे इसके अंदर अपन प्रेस करेंगे तो इसको प्रेस करने के बाद आपके जनरल सेटिंग आ जाएगी, आपको ब्लूटूथ के लिए आ जाएगा, तो इसी से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, देख सकते हैं व्हीकल के लिए, प्राइवेसी के लिए, प्रोफाइल के लिए, आप प्रोफाइल जो उसके अंदर सेट करेंगे। इसी के अंदर आप डिजिटल आपके डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, आपकी RC होगी, आपके लाइसेंस हो गए, आपके इंश्योरेंस कॉपी हो गए, तो आप इसके अंदर आपको स्टोरेज मिलती है, आप आपके डॉक्यूमेंट रख सकते हैं इसके अंदर। देख सकते हैं आप डिजिटल इसके अंदर टाइम देखने के लिए मिल जाएगा, डिस्टेंस देखने के लिए मिल जाएगा, और इसके अंदर यहाँ पर ब्लूटूथ सेटिंग में जाते हैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। आपको बैग जाना है तो इसको इधर प्रेस करना और इधर जाना है तो इसके लिए आपको प्रेस करने के लिए कर सकते हैं, जैसे सर्विस के लिए, एरर के लिए, डिजिटल डॉक्यूमेंट देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ट्रिप के लिए मिल जाता है, ये सारी चीज़ें मिलती है। वापस बैक जाने के लिए आपको इधर करना होगा, अप एंड डाउन के लिए ये मिल जाता है। प्राइवेसी में देखते हैं एक बार, ये प्राइवेसी के लिए करता है तो ये कनेक्टिविटी, आपको इन्फो मोड मिल जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, इस पर भी चलते हैं, इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, तो ये इसके अंदर आपको सारी फीचर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर के लिए मिल जाता है, ये इसके अंदर फोन साउंड मिल जाता है आपको, तो इस टाइप का वो फोन का साउंड मिल जाता है। इसको एक बार ऑफ करते हैं अपन, इसको एक बार ऑफ़ कर देता हूँ, वापस से इसको ऑफ़ करना होगा, इसको बैक करते हैं। थोड़ा मेरे लिए भी नया नया स्कूटर है तो कैसे क्या करना है इसके अंदर, इसको हो जाओ तो चाहे तो इसको डायरेक्ट भी ऑफ़ कर सकते हैं, मेरे को ऑफ़ करना नहीं आ रहा था ये, पर इसको चाहे तो आप इसे डायरेक्ट भी ऑफ़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको हेड ऑन बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे इसके अंदर आपको एंटी-थीव सिस्टम मिल जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन कनेक्टिविटी मिल जाती है, साथ ही इसके अंदर आपको GPS एंड नेविगेशन मिल जाता है, USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, पार्किंग असिस्ट मिल जाता है। ये इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स के साथ में ये स्कूटर आपको अवेलेबल मिल जाता है, काफ़ी सारी कनेक्टिविटी के साथ में। अब स्कूटर के एक बार डायमेंशन की बात कर लेते हैं, इसका जो कर्वेट मिलता है वो मिलता है आपको 119 kg का, सीट की जो हाइट मिलती है वो मिलती है आपको 770 mm की, जो ओवरऑल लेंथ मिलती है इसकी मिलती है 1805 mm की, जो ओवरऑल विड्थ मिलती है फ्रंट से और रियर से वो मिलती है आपको 645 mm की, ओवरऑल जो हाइट मिलती है वो मिलती है आपको 1140 mm की, व्हील बेस आपको मिल जाता है 1301 mm का। साथ ही साथ इसकी मोटर की और जो आपकी बैटरी की वारंटी मिलती है वो आपको TVS से मिलती है 3 ईयर, प्लस आपकी मोटर वर्क की भी आपको 3 ईयर की वारंटी मिलती है। अब इसके बूट की बात करते हैं, सीट के अंदर के जो स्पेस है उसके बारे में बात करते हैं कि कितना क्या स्पेस मिलता है। यहाँ से आप इसको खोल सकते हैं, आपसे घुमाएंगे तो खुल जाएगी। तो इसके अंदर आपको 17 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आपको एक USB लगाने के लिए मिल जाता है फ़ोन चार्जिंग के लिए, इसी के अंदर आपको चार्जर मिलता है इसका, तो इसको क्लोज कर देते हैं। और आपको बॉडी कलर ही इसके अंदर पीछे ग्रैब हैंडल मिल जाता है जो आपको एल्यूमिनियम का मिलता है। तो इस साइड आपको ये एसेसरी पार्ट है, यहाँ लेडीज फुटरेस्ट के लिए मिल जाता है। इसके अंदर जैसे ही आपका स्कूटर स्टार्ट होगा तो यहाँ आपको एक ग्रीन कलर की लाइट जलेगी, यहाँ TVS आपको 3D बैजिंग मिलता है। पीछे के टायर प्रोफाइल की बात करें तो ये भी आपको मिल जाता है 90-90 12 इंच का एलॉय व्हील के साथ में मिल जाता है। साथ ही साथ जो रियर के सस्पेंशन है वो आपको मिलते हैं हाइड्रोलिक ट्विन ट्यूब शॉक अब्जॉर्वर वाले मिल जाते हैं, जो यहाँ पे हैं जिनको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब चलते हैं उस साइड में, रियर वाली लाइट भी आपको LED मिलती है, इंडिकेटर लाइट भी आपको LED मिल जाती है। यहाँ देख सकते हैं पार्क असिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर 3D में आपको बैजिंग मिल जाती है IQ की। इस साइड चलते हैं, अब करते हैं इसके मेन इसके मोटर की बात। तो इसके अंदर आपको जो मोटर मिलती है वो मिलती है आपको हब मोटर इलेक्ट्रिक मोटर के साथ में, जो बैटरी की कैपेसिटी वाले मिलती है इसके अंदर आपको 3.0 किलोवाट की मिलती है। तो बैटरी टाइप जो मिलता है वो लियोन बैटरी पैक विथ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ मिलता है, और चार्जर का जो आउटपुट मिलता है वो आपको 5A चार्जर वाला मिलता है। कैरिंग कैपेसिटी जो स्कूटर की है वो आपको मिलती है 130 kg की, और इसकी बैटरी चार्जिंग के टाइम की बात करें तो ये 5 आवर में आपका इसके चार्ज हो जाएगी फुल। साथ ही साथ रेंज मैंने आपको बताया था 100 किलोमीटर की मिल जाती है, तो TVS इसका क्लेम करता है। पावर प्रोड्यूस करता है इसका इलेक्ट्रिक मोटर, वो करता है 4400 वोल्ट में, और ये इलेक्ट्रिक मोटर कैन जनरेट विदाउट ओवर हीटिंग, तो ये 3000 वोल्ट तक जनरेट कर सकती है। साइड से पूरा आपको इस टाइप का लुक मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश में IQ की बैजिंग इलेक्ट्रिक के साथ ये 3D मिलता है। यहाँ इसकी बैजिंग, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिलती है, यहाँ इसके अंदर आपको
एलईडी लाइट ही मिलती है, आपकी नंबर प्लेट के लिए रिफ्लेक्टर मिल जाता है दोनों साइड, इधर यहाँ पे और उस साइड मिल जाता है। ओवरऑल इस साइड से ऐसा कुछ लुक मिल जाता है, फ्रंट से आपको ऐसा कुछ पूरा लुक, जो इसके लीवर हैं ये आपको सिल्वर फिनिश में देखने के लिए मिल जाएंगे। आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।